सड़कदार और कड़वा सच है। कणियल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। ओहो के बाद से आज तो बड़े सज धज रहे हो जी। ऐसे ही कैसा लागू? अरे तन्ने देख के तो मन्ने 15 साल पुरानी बात याद आ गई। 15 साल पुरानी बात? कौन सी बात? मेरे भैया की शादी में तुम तो ऐसे ही सज रहे थे और उस दिन भी तुम इतने ही घड़े सुंदर लग रहे थे जी। ए जी तुमसे एक बात पूछूं? टोकने वाली ना हो तो पूछ ले। ओहो तुम तो यूं ही कहते हो। मैं तो यो पूछूं कि तैयारी कहाँ की हो रही? सरकार ने बुलाया। सरकार ने? पर क्यों? ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ले फिर उल्टी बात करे, मुसीबत की बात करे। अरे मैंने त्योजी साहब ने बुलाया। किसने बुलाया? वो क्या कहे, पुलिस में बड़ा अफसर हो है। पुलिस? ये क्या नई मुसीबत आ गई? मैं बोल लूं जी, जब से ये मास्टरनी हमारे गांव में आई है ना, कोई ना कोई नई मुसीबत आती है, बस आती है। है पावड़ी। अरे सुन, देवजी साहब जो है वो सरकार का खेल विभाग का बहुत बड़ा अफसर से, और सरकार ने कुश्ती विभाग का मन्ने मुखिया से बनाया है। अच्छा तन्ने पता कैसे चली? लन्नी पता लगी तू मन्ने पूजे के है। अरे मेरी बहुत ऊंची पहुंच है। वो तो पता है जी, पर तन्ने ये बात पता कैसे चली? मास्टर ने बताई। मास्टर ने? अब मैं बोल लूं जी, इस बीमारी ने हमारे घर से दूर ही रखो बस। तू क्या समझे, मास्टर ने कह दिया मैं कर लूंगा ना, कत्ती ना करूं। पक बैठ तो बैठ ना। एक बात है, मारी पहलवानी के ढंग के सरकार में भी बाजन लागे हैं? वो बात तो हाँ जी, अब तो तुम बड़े बड़े आदमियों में बैठोगे। ये ए जी वहाँ फोटो जरूर निकालना। रे बिंदु तू क्यों आ गया, दुकान पे कौन है? दुकान पे जाता दुखिया बैठा है। रे तू 4 घंटे भी दुकान पे ना बैठ सके हैं? ओहो क्यों? मैं कोई बात पूछने आया हूँ जरूरी। तो तू दुखिया से पूछ ले, दुखिया में दुकान का सब पता है। दुकान वाली बात नहीं है, कुछ और ही है। और चुनाव वाली राजवीर से पूछ ले। ना दादा ना, ना वो दुकान की बात है ना चुनाव की, वो बात कुछ और गंभीर बात है, और ये बाबी के सामने नहीं हो सकती। बाबी के सामने ये बात नहीं हो सकती? तो चल बाबी तू जा निकल ले। बाबी आपकी नहीं मेरी है। और तो मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी बाबी है, तेरी ले ले। मुझे जरूरी बात करनी थी आपसे। कर, पूछ के बात पूछनी। मुझे अब कहना तो नहीं चाहिए दादा, मास्टरनी के बारे में बात करनी थी। उसे धमकी किसने दी थी दादा? धमकी? दादा स्कूल का चपरासी मैंने बता रहा था कि वो जो मास्टरनी स्कूल में पढ़ाया करती, उसने धमकी दी गई है, दबाव डाला गया है और स्कूल से भगाया गया है। तू क्या सोचे पहलवान लोग ऐसी उच्ची हरकतें करें? बात तो दादा सही कहो आप, पर कहीं राजवीर अपना ना, राजवीर ऐसा ना करे। सोच लो दादा, प्रधान है गांव का, ऊपर पहुंचे उसकी। ना, राजवीर हमारा रिश्तेदार है, वो हमसे पूछे बगैर ऐसी हरकत ना कर सके। फिर भी दादा ये हरकत तो हुई है। हरकत तो हुई है रविंदु, कद
पिछले प्रधान सतवीर ने हमें बदनाम करने खातिर कोई साजिश रची हो जब। ओहो ताता, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। जब तू ये बातें सोच लेता तो डीओजी साहब चिट्ठी लिख के मन्ने ना बुलाते ऑफिस में। बाकी तो चिंता ना करे, मैं 4 घंटे में वापस आ जाऊंगा, फिर इसका तोड़ निकालेंगे। ठीक है दादा, ये छड़ी ले चलना जरा। अरे हाँ, इन्हें तो मैं भूल ही लिया था। हाँ राजू भाई, अपना बिंदु पहलवान अभी चुनाव जीत जाते हैं तो देखना अपने गांव में क्या क्या विकास होंगे। हाँ भैया, ये तो सही बात है। चलो चलते हैं, सारे गांव चलो आओ। वाह भाई वाह। भाई राजेंद्र, इस बार तो तुम्हारी फसल लहला के निकली है। ये सब अपनी ताकत और मेहनत का कमाल है। हाँ वो तो है। अरे इस बार हमारी फसल भी है ना जो खिल के निकल गई। ये सब आपकी ताकत मेहनत और दिमाग का कमाल है। अब भाई अपन लोगों ने तो कर दिया बिंदु को चुनाव में खड़ा है, और उसका चुनाव प्रचार हो रहा है गांव-गांव में बड़ी जोर शोर से। और आज की जो मीटिंग रखी है ना, उससे चुनाव अलट पलट होता है। और आज हम लोग देख लो कितने। अरे वो फजलू कहाँ है? अब आते ही होंगे। लो वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए। भाई यहाँ चुनाव की जरूरी मीटिंग चल रही है, और आप है कि माफ कीजिएगा, वो जरा आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। और वैसे भी हमारी चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है चौधरी साहब। परसों वोट डालने के पहले हम ऐसी मुहिम चलाएंगे कि दूसरा प्रधान जिंदगी के सुराग ढूंढता फिरेगा। भाई आपके रहते हमें किसी बात की चिंता नहीं, और आप पर तो हमें पूरा विश्वास है। और वैसे भी चौधरी साहब, बिंदु एक नेक काम के लिए परचम लहरा रहा है। वो तो है। और फिर ये पढ़ाई का हमला, भाई ये तो हम सभी पर हो रहा है ना है? बिल्कुल। अरे हम सबको ठगने की जुगत चल रही है। अब ठगने की क्या बताए, परसों शहर से चिट्ठी आई थी हमारे भतीजे की, हम पढ़ न सके। एक से कहा पढ़ने के लिए तो कहने लगा 50 रुपए लूंगा पढ़ने के। अच्छा, तने दिए तो नहीं? अब दे दिए भैया, वो कह रहा था ये खत नहीं लाटरी है लाटरी। हम भी लालच में आ गए। अच्छा क्या था उसमें? उसने पैसे भेजे थे बाहर से, अब बैंक से हमें निकलाना तो पड़ते। वो कैसे? उसमें लिखा था ये चिट्ठी दिखाकर, वो कागज क्या कहते हैं उसको, ड्राफ्ट, वो दिखाकर पैसे ले लेना। अच्छा फिर? फिर क्या, हमने उससे सलाह मांगी, उसने हमसे 200 रुपए ले लिए। 200 रुपए? अरे वो किस चीज के? शहर के बैंक जाने के लिए। 10 जगह तो हमारी पहचान हुई, फिर जाके कहीं पैसा मिला। हमारे साथ तो कभी राशन की दुकान पे भी ऐसा नहीं हुआ। यो तो तारे साथ बहुत जुलम हुआ तारे साथ। और तुमने शहर से पैसे मंगवाए ही क्यों? उसने भेजे थे ना, अगले महीने हमारे भाई की शादी है। बताओ ऐसी लूट मची है इस पढ़ाई से? मेरा तो खून ही खोल गया था भाईजान। उस दिन मैंने सोचा कि अगर हम सभी अनपढ़ होते तो कम से कम ये तो ना होता। अगर हम भी 2 जमात पढ़े होते। अरे 2 से कुछ नहीं होता भाईजान, कुछ नहीं होता। ये पढ़ाई वाले 2 के 4 और 4 के 400 बना देते हैं, और फिर सारी उम्र पढ़ना पड़ता है, और ना पढ़ो तो जुर्माना होता है, जुर्माना। अब हमारे वो दीनू चाचा पढ़े लिखे थे, उन्हें भी तो कर्ज मिल गया कि नहीं? अरे तो कर्जदार तो हो ही गए ना, ना पढ़ते ना कर्जा लेना पड़ता। उससे तो उन्होंने बढ़िया दुकान खोली है कस्बे में। तो भाई बंधु, घर द्वार और ये गांव सब छूट गया ना। अब वो तो है। अरे भाई ये सारी मुश्किलें भी निपट जाएंगी। जरा हमारे बिंदु को एक बार ग्राम प्रधान तो बन जाने दीजिए। अरे मुझे पक्का विश्वास है भाई कि बिंदु ही प्रधान बनेगा। क्यों नहीं? तो फिर चलिए एक दफे बिंदु से फिर मिलाते हैं। चलिए चलिए आप लोग चलिए, मैं भी अखाड़े तक जाके आता हूँ। बिंदु आपको दुकान पे ही मिलेगा। ठीक है, अखाड़े से होके सीधे वहाँ चलिए। चलिए अब तो बिंदु के हक में माहौल जो है चुनाव का गरमाने लगा है। अरे वो तो गरमाने ही था। आपने उसको प्रधान के लिए खड़ा करके बहुत ही अच्छा किया। अरे वाह, ये तो पोस्टर बड़े बढ़िया चिपके। देखो ना बिंदु कैसा टला टल लग रहा है भाई। खुदा इसको पूरी नजर से बचाए। भगवान कसम, अगर बिंदु पहलवान अखाड़ा नहीं छोड़ते तो आज नाम ही पहलवान होते। अरे तो अभी देख लेना कौन सा कम है भाई। बिल्कुल कौन सा कम है ये। और एक बात नहीं देखी आपने,
काम और मैं अभी तक किसी से ही हुज्जत तक की क्या नहीं की कभी नहीं। अरे ये तो हमारे देश की परंपरा है और ये देश ऐसे ही थोड़ी बड़ा बन गया। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल राजवीर जी बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा मुल्क सोना है, सोना बिल्कुल। चलिए चलते हैं। अरे लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज चुनाव की मीटिंग है, शाम को आप लोगों को बिंदु की दुकान पर पहुंचना है, ठीक है? मैं तो नहीं आ सकता शाम को। क्यों भाई? क्योंकि रात में कादिर के साथ पोस्टर चिपकाना है। ये तो जरूरी, ठीक है? ये जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम। तो लेकिन पोस्टर चिपका के फौरन वहाँ आ जाना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, रात में हम लोग मिलते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, हमने तो सोचा था शायद आप कहीं बाहर चले गए। हमने किस जाना है जी, हमारा तो घर बार सब यहाँ ही है। सर आपका फोन, अभी हम व्यस्त हैं, आप फाइल लेकर आइए। आपके जमाने के पहलवान श्री खैराती लाल ने आपका नाम इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हमें सुझाया था। खैराती कहाँ है? खैराती आजकल वो खेलकूद के बड़े अधिकारी हैं। लेकिन वो तो अनपढ़ है। जी नहीं, वो तो ठीक ठाक पढ़े हुए हैं। हो सकता है ये शिक्षा उन्होंने बचपन में नहीं, थोड़ी देर बाद शुरू की हो। जब भी मैं कहूँ खैराती इतना बड़ा अफसर किस तरह बन लिया? पहलवान जी, अच्छा हुनर होने के साथ साथ यदि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो तो सरकार को अच्छी नौकरी देने में आसानी रहती है। पहलवान का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना? पढ़ाई किसी पैसे से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो उस ऊपर वाले की तरह है, जिसे जो चाहे उसी की है। कमाल है, आप इतने बड़े आदमी हो के भगवान को मान लो। भगवान को तो सभी मानते हैं। इनके फोटो खींचेगी? फोटो नहीं, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, जिससे कि आपको कल सभी सुविधाएं बजट मिल सके। वो तो ऐसा है जी, सारी जिंदगी तो मैं पहलवानी के चक्कर में लगा रहा, तो पढ़ने लिखने का फुर्सत ही ना निकले। ओह नो, आप पढ़े लिखे नहीं? ये नहीं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, आप जैसा काबिल आदमी इस कमी से वंचित रह गया। पीछे तो हम किस चीज की ना, गांव में सबसे ज्यादा जमीन है हमारी। पहलवान जी सोचिए जरा, आप जैसे नामी व सम्मानित खिलाड़ी का अंगूठे का निशान लगाना अच्छा लगेगा क्या? क्यों, मेरा अंगूठा कौन नहीं, मेरे अंकल। लेकिन पढ़ाई भी तो शरीर का अंग है। चलो ठीक है, आप अंगूठा लगाइए, गार्ड स्टाम्प पैड लेकर आइए। झमेले में फंस गया पहलवान लक्ष्मण शाह, तो बेर बेर कागज दामेंगे, बार बार कागज पे अंगूठा ला के बड़ी शर्म आवेगी। फिर करें लो जी, बोलिया चल नहीं। अच्छा पहलवान जी, जय राम जी। जय राम। पहलवान जी आधा किलो चावल देना। कौन? अरे तू, इतना दिनों बाद आया है, आधी किलो चावल मांगने? वो भी, अरे 5 किलो ले ले कम से कम। जब जितने पैसे होंगे अपने उतने तो लूंगा ना। अरे पैसे का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं। अब फिर हम आज तक कभी किसी पे पैसे भूले हैं? हलक में हाथ डाल के खींच लेते हैं हम पैसे तो। वही तो मैं नहीं करवाना चाह रहा ना। ले, इसका मतलब मैं तुझे बेईमान समझू? अरे तू तो इतना शरीफ आदमी है, तेरी भैंस तक किसी दूसरी गली में नहीं घुसती गोबर करने के लिए। और तू? वो तो सब ठीक है, पर उधार भी तो एक बोझ है ना। अरे तो बोझ तो तू भी है धरती पर। देख दुनिया हवाई जहाज में घूम रही है, तू सड़क पे छठी बार तक घूम रहा है। जब आप प्रधान बन जाओगे तो इसे सुधार देना। अरे बावड़े, तब तो मैं ऐसे मोती भी घेरूंगा कि माँ बाप अपने बाल बच्चों को पहचानना भूल जाएंगे। ऐसा क्या करोगे पहलवान जी? अब ये तो भाई राज की बात है, तने कैसे बता दूं, दिल में है, दिल में देख ले, दिल मुआन दे तू। वो तो सब ठीक है, पर मुझे चावल चाहिए। ले, तुझे चावल चाहिए? अरे बावड़े, दुनिया भर की इतनी सारी काम की बात तुझे बता रहा हूँ और तुझे चावल चाहिए? चावल चाहिए? मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे चावल चाहिए। तुझे चावल चाहिए? हाँ। हैं? आधी किलो चावल चाहिए, नखरे ऐसे मार रहा है, 6 ट्रक उठाएगा तू चावल के। सुन दुखिया है तब आइए तू, जा टल ले। ठीक है फिर। अब हनुमान जी कैसे टालू इनको, मुझे तो तोड़ला ताड़ला कुछ आता ही नहीं। चुनाव के चक्कर में बैठ गया विरोधियों को फंसाने के लिए। अकेले अकेले में किससे बातें कर रहे हो पहलवान जी? तुझे बताऊं मैं किससे बातें कर रहा था? तेरे कान पे ऐसी घुड़की बनाऊंगा मैं। किससे? सवेरे से तू अब लहरे मारता आ रहा है। बड़ी मुश्किल से 5 नारियल का जुगाड़ किया। 5 नारियल का जुगाड़ किया तेने?
केरला गया था कि केरला नहीं तो? वो छल्लू वाली गली है ना, उसमें एक नारियल गिर गया, ढूंढते ढूंढते सारा दिन से रात ही होगी। अरे मेरे हनुमान जी, यो किस पल्ले पड़ गया हमारे तो। तू एक काम कर मेरे बाप, मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू धर्मपाल की दुकान पर जा, 16 सरसों की टीन लिया। मालिश खातर ना पियूंगो। ठीक है, ये के नारियल है बकरी की मुसेंगन आन दे, आज दादा ने तेरी तो खैर नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा दुखिया तुझे। चुनावी सरगर्मियां तो बहुत तेजी पर है। हाँ। अब अपन को जरा इधर भी तो देखें क्या। आदाब बिंदु भाई, आदाब। आदाब चाचा, आदाब। अरे राजवीर, आज कादर कित गया साथ नहीं? अरे भाई वो तो बड़े काम कर रहा है, गली गली तेरे पोस्टर चिपकाता फिर रहा। पोस्टर मेरे पोस्टर हाँ। तो मतलब जीत जाओगे हम तो? अरे बिल्कुल। और भाई चाचा, आप बताओ आप कैसे हो? खुदा का लाख लाख शुक्र है बिंदु भाई, आप कैसे हैं? मैं हाँ। सच बताऊं? हाँ। देखिए चाचा, मैं तो ना बदल सा रहा हूँ। बिंदु भाई बदलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब जिम्मेवारी जो आपको मिलने वाली है। हाँ? अरे चाचा, बदलने के लिए तो एक लहर ही काफी होती है, पर या तो बाहर से आई हुई है। क्यों, क्या हो गया भाई? आपको नहीं पता? हाँ, हाँ। ना? नहीं पता भाई, आज सवेरे ही पता पड़ी है मैंने बात। क्या? वो जो पुराना प्रधान है ना, उसने हमें बदनाम करने के लिए, वो जो बिचारी गाय सी मास्टरनी थी ना, नीति साथी बच्चे पढ़ाया करती, उसे गांव से बाहर निकाल दिया। अच्छा? और धमकी दी है ये अलग। अरे हिम्मत देख। अरे क्या? हाँ? किसने कहा तुझसे? तू क्या सोच रहा है मैं दुकान पर बैठा हूँ? क्यों बैठा हूँ? अरे बावले, दुकान पर तो मैं इसलिए बैठा हूँ कि विरोधी समझे कि चुनाव प्रचार तो बिंदु कर ही नहीं रहा, हार जाएगा। अरे बावले, मेरे जासूस काम कर रहे हैं, वो ही लाए हैं ये खबर। तू मायने यहाँ बाद में बात करते हैं। अच्छा आज जो भी आया ना बिंदु, तू दुकान पर क्यों बैठा है? अरे बावले क्यों बैठा है? मैं क्यों बताऊँ कि क्यों बैठा है? सही है, क्यों बताऊँ भाई, क्यों बताऊँ? तो आखिर ये बात हो ही गई है। देखिए, देखा हमारे चुनावी कंडे है। अरे करे कोई और भरे, भरे कोई। ना, ना राजवीर ना, अब ऐसा नहीं होगा, अब तो करे चाहे कोई भी, पर भरेगा सतवीर चौधरी। समझ गया ना बात को? बिल्कुल। पब्लिक में ऐसे ऐसे भाषण दूंगा, पब्लिक उठ उठ के भागेगी, उठ उठ के भागेगी, समझा? अरे भाई पहलवान, जोश में होश मत खो, अगर पब्लिक भाग जावेगी तो वोट कौन देगा? अरे नहीं राजवीर, वोट भी यही लोग डालेंगे। मेरा मतलब तो इतना है कि मैं अपनी भाषण में ऐसे ऐसे मसले लगाऊंगा, ऐसे ऐसे मसले लगाऊंगा कि देखिए गांव की हवा में सनासन सनासन होगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है बिंदु, तुम जरूर छा जाओगे। चाचा मैं छाऊंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा। ना जी ना, चुनाव में खाने पीने की बात नहीं करते। अरे बावड़े में वो बात नहीं कर रहा, वो खाने पीने की बात नहीं, मेरा मतलब है कि मैं विरोधी पार्टी की लहर को ही खा जाऊंगा। अब तो देखिए बिंदु का नगाड़ा ऐसे बाज जाएगा जैसे कबूतर घर घर नाचा करे है, समझ गया? वाह, ये हुई ना जोश वाली बात। अरे कबूतर की जरूरत हो तो हमारे गांव में भी बहुत कबूतर हैं, ला के दे दूंगा। अरे राजवीर तू तो बड़ा भोला है। अरे ये मैं उन कबूतरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन कबूतरों की बात कर रहा हूँ जो दाना भी है ना मौत का चुकते हैं। लगता है बिंदु अब पूरे उफान पर है। राजवीर साहब, ये सब आपकी ट्रेनिंग का नतीजा है। देखते जाओ फजलू भाई, अभी तो खेल शुरू हुआ है, ये तो सिर्फ एक झलक थी। अच्छा? क्यों बिंदु? अरे राजवीर, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं भी अपने दिमाग के इतने गंदे पसाले खोलूंगा, ये विरोधी सारे नाले में बह जाएंगे। शाबाश, लेकिन तू जनता से खुल के वादे करना। ना ना, ना चाचा, वादा एक नहीं करूं मैं, इन वादों ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं नहीं चाहता ये भोली भाली जनता बर्बाद हो। लगता है गांव का दर्द बिंदु की नसों में उतर गया है। अरे चाचा नसों में नहीं, अरे जिगर और फेफड़ों में भी उतर गया है। अगर बिंदु का वश चले ना तो चुनाव का डमरू आज ही बजा दूं मैं, और आज ही लोगों को पकड़ पकड़ के वोट डलवा दूं, मगर मेरे तो वश में नहीं है कुछ भी। बस बिंदु, दो दिन की बात और है,
फिर इसके बाद पूरे गांव में तेरा ही नाम गूंजेगा। और हाँ, वो पहलवान चले गए क्या? अरे हाँ, आने वाले होंगे वो। चाचा 3-4 घंटे की बोल के गए थे। बिंदु, अभी तो वो वहीं होंगे, उनकी इज्जत अफजाई का फायदा भी तुम्ही को होगा। देखो चाचा, अब हाँ, कुछ भी हो जाए, हाँ हाँ, अब मैंने तो चुनाव के लिए कमर कसी ही ली है। अरे वो दुखिया कहाँ गया? दुखिया राजवीर गया? हाँ हाँ, वो सरसों के तेल के कस्तर लेने गया है पहलवानों के लिए। पहलवानों के लिए? हाँ। अरे वो चुनाव है ना, हाँ हाँ, उसमें जरूरत पड़ सकती है पहलवानों के लिए। तौबा तौबा, अगर हम चैन से भी रहना चाहें तो लोग हमें चैन से नहीं रहने देते। अरे चाचा, मजबूर हमें कोई नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि चुनावी माहौल है, थोड़ी बहुत तैयारी तो रखनी पड़ती है। क्यों राजवीर? और वो पहलवान रोज रोज कुश्ती थोड़े लड़े हैं? अच्छा फजलू भाई, आज रात एक गांव का पूरा चक्कर मारते हैं। सही है। और बिंदु, ये दुकान बंद करके तू घर जा और सुबेरे सुबेरे तू खेत पे पहुंच जाइयो। मैं वहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा कर रखूंगा और वहीं पर चुनावी मीटिंग करेंगे। अच्छा, मीटिंग करेंगे? लेकिन तू सुबह सुबह पहुंच जाइयो। पहुंच जाऊंगा भाई, जरूर से जरूर। देखिए चाचा, ध्यान रखिए। अरे चिंता मत कर तू, बिल्कुल अब की दफे जम कर मुकाबला होगा। ठीक है चाचा, खुदा हाफिज़। काफी काम है, इब बज जाएगा बिंदु के दिमागी शंख का घंटाल। बिंदु इलेक्शन जीतेगा, रोड नहीं बनेंगी, बच्चे गांव के घूमेंगे, खुशहाल हो जाएगा मेरा गांव। पर पढ़ाई? तो भाइयों, वैसे तो आजकल के जमाने में सभी समझदार हैं, लेकिन एक दूसरे के जहन को आपसी समझ की खुराक देना हम सभी का फर्ज है। और इसी सिलसिले में हमारा फैसला है कि हम बिंदु को अपना नेता चुने। क्या बात है भाई, क्या बात है, सही है ना? ताकि इस गांव को आने वाली नई नई मुसीबतों से बचाया जा सके। शुक्रिया भाइयों। हम सब लोगों ने हजार बार सोचने के बाद यह फैसला किया है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो तन और मन से साफ हो। सही है, सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। और ऐसा आदमी है बिंदु पहलवान। क्या बात है, क्या बात है। मैं राजवीर जी से कहूंगा कि वो कुछ कहें। राजवीर जी, वैसे तो भाइयों मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन सारे गांव एक से ही होते हैं। सही है। और सभी गांवों के दुख दर्द भी एक से ही होते हैं। ठीक कहा, ठीक कहा। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि इन सारे दुख दर्दों को दूर कर सकूं। अब मैं गजेंद्र भाई से कहूंगा कि वो बिंदु के बारे में कुछ कहें। बोलो गजेंद्र, बोलो बोलो। अब मैं बिंदु के बारे में क्या कह सकूं? बोलो भाई। लेकिन अब राजवीर भाई ने कह दिया तो मैं 2 शब्द जरूर बोलूंगा। बिंदु कहता है कि हम सब पागल हैं, निरे ठूठ हैं और लोग विश्वास के लायक ही ना। एक मिनट भाई लोग, मेरी पहले बात तो सुन लो। सुनाओ ना भाई फिर। बिंदु हम सबको पागल, निरा ठूठ या जहर देने की बात इसलिए करता है क्योंकि वो ये कहता है कि आप लोग मेरे घर परिवार के लोग हो। अच्छा, ये तो ठीक। मेरे सुख दुख के साथी हो, मेरे बड़े हो और पूजनीय हो। सही है। और वो ये भी कहता है कि अगर आप लोगों को कोई धोखे का जहर देने की कोशिश करता है तो ये काम पहले मैं क्यों ना कर दूं, क्योंकि धिक्कार है मुझ पर कि मुझ जैसे मुस्टंडे पहलवान के होते हुए कोई मेरे भाइयों पर जुल्म करे। ये सही है, सही है। हाँ, हम तुम्हारे प्यार और दर्द को तो समझ गए गजेंद्र, लेकिन ये बताओ कि बिंदु करेगा क्या? अरे अब देखना चाचा, अगर एक एक के खेत में आग ना लगवा दी तब कहना। ये क्या कह रहे हो गजेंद्र? अरे डर क्यों गए चाचा? फिर बिंदु उस आग की बात ना कर रहा। हाँ, फिर बिंदु के कहने का मतलब ये है कि अब तो खेतों में खूब पैदावार हुआ करेगी और फसलें तो सोना बढ़ के चमकेंगी। ये बात है भाइयों, टाइम आने दो, बिंदु एक एक के घर में घुसेगा। बिंदु घर घर में घुस के क्या करेगा? मेरा मतलब है बिंदु को हर घर की मुसीबत की जानकारी होगी तो वो तुम्हें तुम्हारी चारपाई के पास खड़ा मिलेगा। चारपाई?
मतलब? इसका मतलब है बिंदु तुम्हारा पहरेदार बनेगा, तुम्हारा रक्षक बनेगा। भाई अब मैं बिंदु के बारे में और कुछ ना कहना चाहूंगा, अब तो बिंदु बस अपना हुनर ही दिखाएगा और वो भी कुत्ती की लहरी की तरह। तो भाइयों आप सबको ये याद रखना होगा कि अगर गांव की खुशहाली आपको चाहिए तो बिंदु पहलवान को जिताना होगा। बिंदु पहलवान की जय। बिंदु पहलवान की जय। बिंदु पहलवान की जय। बजरंगबली की जय। ताल ठोक के पूछ बैठ के अक्कड़ बाकड़ ऐठा, गदा भांज के सीना फुला के घुटनों के बल बैठा। लठा लठे तैयारी है पर कहीं तो कुछ है खट्टा, विद्या दान के बिना रे बबुआ मंजिल पे जा अटका। मंजिल पे जा अटका, मंदिर पे जा अटका। वफादार नहीं मसल वो मछली, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार। दाव पे ज्वार उठा पटक भी शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार।